हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो सब? होप कि सभी बहुत बढ़िया हो एंड बहुत अच्छे से चल रही है आपकी लाइफ, पढ़ाई, सब कुछ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमन क्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड का। एसिड हैलाइड को जनरली जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो RCOX से, या फिर आप कह सकते हैं इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1COX। यहाँ पे n की वैल्यू 0 से लेके कुछ भी हो सकती है, और एक्स हेलोजन, फिर कल बरात आएगी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मैं बात करूँ इनकी सेकेंडरी सफिक्स की कि इनका नाम क्या होता है, नाम क्या होता है भी, इनको ऑयल हैलाइड बोलते हैं। मतलब अगर फ्लोरीन लगा हुआ है तो ऑयल फ्लोराइड बोल दोगे, क्लोरीन लगा हुआ तो ऑयल क्लोराइड बोल दोगे। ऐसे अगर इनका फंक्शनल ग्रुप मतलब एक्चुअल में इनके सिंबल की बात करें तो वो होता है C(OX), ये होता है। तो कुछ नाम देखते हैं, कॉमन नेम, और धीरे 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 इनका लेवल बढ़ाएंगे। एंड इतनी मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ डाउट नहीं रहेंगे। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट करके जरूर चल रहा हूँ कि आप पिछले वाले सभी नॉमेनक्लेचर की वीडियो देख के आए हो, तभी ज़्यादा फायदा है कि नहीं। चलो स्टार्ट कर लें। अगर हम बात करते हैं HCOCl की, ये भी एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव भी होता है ये एक, ठीक है। आपने इसका नाम करना है, तो नाम तो इसका आसानी से हो जाएगा, इसको तो बोलेंगे क्लोराइड, और इसको ऑयल, ठीक है, जितने कार्बन लगे तो उनको जोड़ के बोल देते हैं, एक ही कार्बन है तो इसका नाम होगा मिथेनोइल, मिथेनोइल क्लोराइड। चलिए, ये हमने नाम तो कर दिया, बट ये इतना फेमस कंपाउंड नहीं है, ये इतना एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैं इसके कॉमन नेम की बात करूँ तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्माइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड इनका नाम हो जाता है, क्लियर है। अगर हम कुछ ऐसे कर लें, कार्बन COCl हमने इसका नाम करना है, तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन है, दो कार्बन को क्या बोल दोगे आप लोग, इथेनोइल, इथेनोइल, और Cl लगा है तो क्लोराइड बोल दो, इथेनोइल क्लोराइड। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम क्या होगा भाई इसका, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। चलो अगर यहाँ पे तीन कार्बन हो जाए, फिर मान लो यहाँ पे Br लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या करोगे, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन को आप लोग क्या बोलोगे, प्रोपेन ऑयल, प्रोपेन ऑयल, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है ना सिर्फ, और Br को क्या बोलने वाले हो, ब्रोमाइड बोलने वाले हो। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, प्रोप आयोनाइल, प्रोपायोनाइल, प्रोपायोनाइल, और Br को क्या बोल देंगे यहाँ पे हम, ब्रोमाइड बोल देंगे। ज़्यादातर जो फेमस है वो Cl है, एसिड क्लोराइड ही ज़्यादा फेमस रहते हैं, ये बात मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। अब चलिए, ये तो कुछ कॉमन नेम हो गए, अब सीधा फोकस करते हैं IUPAC नेम पे ही। अगर कुछ ऐसा आ जाए कभी, आपको ऐसा लगा मिल जाए, आपने इसका नाम करना है, बताइए इसका नाम क्या होगा। तो ये तो कार्बन है, कितने कार्बन है इस चेन के अंदर, इसमें है चार कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट, यहीं से नंबर होगी 1, 2, 3, 4, 3 पे डबल बॉन्ड दिया है तो 3-ene, ठीक है, ब्यूट 3-ene, और फिर Br है, Br को मैं क्या बोल दूंगा भाई, ब्रोमाइड बोल दूंगा, क्लियर है। थोड़ा सा और घुमाते हैं, और थोड़ा मुश्किल बनाते हैं इसको। चलिए क्या होगा, जैसे ये कार्बन कार्बन की एक चेन है, ठीक है, ऐसे है, और ये आई लगा हुआ है, और मान के चलो यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, आपने इसका नाम करना है, बीच में चाहते हो तो डबल बॉन्ड भी लगा लो, चलिए डबल बॉन्ड भी लगा दिया, अभी इसका नाम करो तो क्या होगा इसका नाम, तो ये तो चेन हो जाएगी, नंबरिंग यहीं से होगी 1, 2, 3, 4, 5। अभी देखो आप कि क्या होगा, 3 पे भी एक कार्बन है, 4 पे भी एक कार्बन है, तो इसका नाम होगा 3-4, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मिथाइल ना, तो दो मिथाइल हो गए, तो 3-4-डाईमिथाइल, 3-4-डाईमिथाइल। चेन में आओ, चेन में पांच कार्बन है, पांच कार्बन को क्या बोलोगे आप लोग, पेंट बोलने बोलोगे, 3 पे डबल बॉन्ड दिया हुआ है तो पेंट 3-ene, और आई है, आई को क्या बोल देंगे, आयोडाइड बोल देंगे, ठीक है, और फिर इसके एंड में ई नहीं लगाते हैं। हो गया क्लियर, थोड़ा बहुत हुआ क्लियर या नहीं हुआ, सॉरी भाई, एसिड है ना तो इसको तो ऑयल बोलते हैं ना, तो इनऑयल होगा, है ना, ये इनऑयल होना चाहिए, ऑयल हैलाइड होता है ना, तो इनऑयल हैलाइड होगा,
क्लियर, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, सो सॉरी, हो जाती है, इंसान है, गलतियों का पुतला होता है। चलिए अच्छी बात है कि उनको सुधार लिया जाए, सुधार ली है हमने। ओके, तो अगर आपको कुछ ऐसे मिले, कभी मान के चलो कि आपको कुछ ऐसा मिला हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, और यहाँ पे आपको मिल गया कुछ इस तरह से, आपने इसका नाम करना है, बताइए इसका नाम क्या होगा। चेन सेलेक्ट करोगे तो ये आपकी चेन होगी, 1 2 3 4 5, पहले तो इसको निपटा दो। 3 पे आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिया है, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, साइक्लो, और 3 कार्बन है, प्रोपाइल है, मेन चेन से बाहर है, प्रोपाइल, 3 साइक्लो प्रोपाइल, और चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलेंगे भी हम लोग, पेंट बोलेंगे, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेनोइल, पेंटेनोइल, और सी एल लगा है तो क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, कुछ और देख लीजिए, जैसे कि इस तरह से कुछ दिया हुआ है, मान के चलो आई इस तरह से आपको कुछ दिया हुआ है, मान के चलो इस तरह से है, तो यहीं से देखो, यहीं से नंबरिंग करोगे आप, नो डाउट नंबरिंग आपने यहीं से करनी है, 1 2 3 4, पहले इनको निपटाओ, 3 पे आपको बीआर लगा मिल रहा है, और 3 पे आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ये पहले आ जाएगा, 3 ब्रोमो, और फिर 3 पे ही क्या है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो 3 ब्रोमो, 3 पे है साइक्लोपेंटाइल, 5 कार्बन है ना, तो साइक्लोपेंटाइल, चेन में कितने कार्बन है, 4, और उनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेनोइल, एंड लास्ट में आई लगा है तो आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है, या कुछ दिक्कत अभी अभी भी, मतलब जितना मर्जी मुश्किल बना सकते हो, मुझे यही लगता है कि आप कर लोगे नाम सारे, मुझे ऐसी फील आ नहीं रही है कि आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, आनी भी नहीं चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ सी एल है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे मान लो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दे दिया, यहाँ पे एक सी एल दे दिया, यहाँ पे एक कार्बन दे दिया, कुछ ऐसे आ गया, अब इसका नाम करो भाई, कैसे होगा, कैसे करेंगे बताइए, या फिर इसको भी सी एल मान लो, ऐसे कर लेते हैं, अब बताइए, ये तो आपकी चेन हो जाएगी, ठीक है, इनको निपटाओ, 1 2 3 4 5, आप देख रहे हो 2 पे सी एल है, 3 पे सी एल है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 3 डाइक्लोरो, 2 3 डाइक्लोरो हो गया। उसके बाद देखो 3 पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 3 साइक्लो, और उसमें 3 कार्बन है, तो प्रोपाइल, मेन चेन से तो बाहर है ना, चेन में आओ, चेन में कितने कार्बन है, 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक है। अब आप देखो 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड मेंशन कराते हैं, बॉन्ड है ट्रिपल आइन आइनाइल, ठीक है, पेंट 4 आइनाइल, और क्लोराइड है तो उसको बोल देंगे क्लोराइड, हो गया क्लियर। अभी अगला देखिए, मान के चलिए कुछ इस तरह से आपको दिया हुआ है, आपको बोला जाए कि इसका नाम कीजिए, इसका नाम करना है, तो मेन चेन क्या होगी, देखिए आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दिया हो और आपको ओपन चेन भी दी हो, तो आपने ये देखना कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ जुड़ा है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए सिर्फ वही है जहाँ फंक्शनल ग्रुप लिंक है, तो सिर्फ यही लिंक है फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो गया, नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 3 पे आप देखो तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम होगा 3 साइक्लो ब्यूटाइल, 3 साइक्लो ब्यूटाइल, चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोप, और 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2-ईन, प्रोप 2-ईन, और एसिड हैलाइड है, ऑयल क्लोराइड, ठीक है या नहीं। अभी दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत बताइए अब कहाँ पे आने वाली है आपको, दिक्कत सारी आपको तब आएगी अगर कभी ये, अभी इस तरह से हम बोध कर रहे हैं, है ना, कि अगर मान लो कुछ ऐसे हो जाए, सी ओ आई हो गया, अब ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेन से जुड़ा हुआ है, बट चाह के भी आप इसे चेन में नहीं ले सकते हो, इस तरह से फिर इनका एक कुछ सेपरेट नाम होता है, भाई चेन से तो जुड़ा हो बट आप चेन में नहीं ले पाते, तो इनका नाम कैसे करते हैं, इसको आप चेन मानोगे, तो क्या है इसका नाम, साइक्लो, साइक्लो 5 कार्बन है ना, पेंटेन,
साइक्लो पेंटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा भाई इस टाइम, ये याद रख लीजिए, कार्बोनिल आयोडाइड। क्या हो जाएगा इसका नाम? कार्बोनिल आयोडाइड, ठीक है। अगर चलिए अगला नाम करते हैं। अब देखिए ये सी ओ सी एल है, लगा हुआ चेन से, बट आप इसको चेन में तो नहीं ले सकते हो, तो जिसके साथ लगा हुआ उसको मेन चेन मान लो। इसको हमने मान लिया मेन चेन, ठीक है। नंबरिंग भाई साहब से ही करेंगे, वन, एक फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, बाकी सभी सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद आप नंबरिंग किसे करोगे? बॉन्ड के लिए। अब बॉन्ड के लिए इधर आना पड़ेगा आपको, है ना, टू थ्री फोर फाइव। अब देखो बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट है, थ्री पे बी आर लगा है, फोर पे सी एल लगा है, फाइव पे इथाइल लगा है, तो इनको हम निपटाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो इसका नाम क्या होगा? थ्री बी आर को बोलेंगे ब्रोमो, उसके बाद फोर पे सी एल है, फोर क्लोरो, थ्री ब्रोमो फोर क्लोरो, और फाइव पे दो कार्बन है, दो कार्बन क्या बोलोगे? इथाइल, या आप डबल बॉन्ड लगा लो इसमें, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथिनाइल हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया, इथिनाइल। अबाउट मेन चेन में, मेन चेन में कितने कार्बन है? पांच कार्बन है, तो साइक्लो, और साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, पांच कार्बन है, तो पेंट, वन पे डबल बॉन्ड है, इन पेंटीन, ठीक है। अब सी ओ सी एल को आप चेन में नहीं ले पाए हो, अगर चेन में ले पाते तो इसका नाम पेंटिनोइल क्लोराइड हो जाता, बट आप नहीं ले पाए हो, तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा भी कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होगा इसका नाम? कार्बोनिल क्लोराइड, क्लियर है। अभी देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से अब तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कि ये जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं ये चेन से लगे हुए हैं, और बहुत सारे लगे हुए हैं, तो आप कुछ भी करके उन सबको तो चेन में नहीं लेके आ सकते, तो ऐसा करना कि आपने सबको चेन से बाहर कर देना है और ऐसे मेन चेन मान लेनी है। तो तीन कार्बन है, तीन कार्बन क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोपेन, है ना, वन टू। देखिए दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप फंक्शनल ग्रुप को चेन के अंदर नहीं ले पाते हो, नहीं ले सकते हो इसको कुछ भी करके, सभी को तो नहीं ले सकते हो, सिमिट्री बन रही है, तो सबको ही बाहर करो, प्रोपेन वन टू थ्री ट्राई, एंड ये चेन से जुड़े हुए हैं बट चेन में नहीं ले पा रहे हो, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनिल, कार्बोनिल क्लोराइड। हुआ क्लियर? क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अभी इसका नाम करें, तो इसमें आपको एक चेन बनानी पड़ेगी, चेन ये हो जाएगी नो डाउट, उसके ले सकते हो, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री पे आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, थ्री साइक्लो, थ्री साइक्लो, उसके बाद प्रोप है, तीन कार्बन है, प्रोप, वन टू पे डबल बॉन्ड है, प्रोप टू इन नाइल, मेन चेन से बाहर है ना, तो प्रोप टू इन आइल। अभी मेन चेन में आओ, कितने कार्बन हैं? पांच कार्बन है, तो पेंटेन ऑयल, और सी एल लगा है क्लोराइड, पेंटेन ऑयल क्लोराइड। बताइए अभी इसमें कुछ मुश्किल था क्या? आसान है या नहीं है? तो इस तरह से आप सारे के सारे एसिड हैलाइड का नाम भी कर सकते हो। तो अभी हम नाम कर चुके हैं किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसके डेरिवेटिव्स का। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी है शेयर करना, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ उतना शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्टिल कुछ डाउट्स बचते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, जय हिंद।